हाय एवरीवन, माय नेम इज़ आलोक एंड वेलकम टू एम्प्लीफाई लर्निंग। सो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम जावा में मैजिक नंबर के ऊपर बेस्ड प्रोग्राम कैसे बनाते हैं। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से अभी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो बात करें अगर मैजिक नंबर की, सो मैजिक नंबर होता क्या है यहाँ पे पढ़ सकते हो आप। सो अ नंबर इज सेट टू बी अ मैजिक नंबर इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट आर कैलकुलेटेड टिल अ सिंगल डिजिट इज ऑब्टेन्ड by repeatedly adding the sum of its digits. If the single digit comes to be 1, then the number is a magic number. So, एक magic number को check करने के लिए उस number को क्या condition follow करना पड़ेगा, जैसे मैं आपको यहाँ पे example की help से समझाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे एक example देखो दिया हुआ है 199. So, यहाँ पे given है that 199 is a magic number. ये magic number क्यों है चलो देखते हैं। For example, 199. So, आपने 199 number को लिया, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इस नंबर के डिजिट्स का सम निकालोगे। जैसे कि 199 के डिजिट्स का सम आप कैसे निकाल सकते हो, आप 1 लो प्लस अगला डिजिट है 9, देन अगला डिजिट है फिर से 9, तो आप इन सारे डिजिट्स का क्या कर दो, सम कर लो। तो ये सम करोगे आप कितना आ जाएगा, 9 प्लस 9 18 प्लस 1 19, सो इसका सम आ जाएगा 19। तो जो ओरिजिनल नंबर हमारा था 199, उसका सम ऑफ डिजिट्स करके हमारे पास कितना सम आ गया वो 19। लेकिन क्या जो ये सम आया है, क्या ये सिंगल डिजिट का है, मतलब क्या इसमें सिर्फ एक डिजिट है? अभी तो ऐसा नहीं है, अभी इसमें दो डिजिट्स हैं, ठीक है, सिंगल डिजिट नंबर नहीं है ये। तो हम क्या करेंगे, अगली बार अब इस 19 का सम निकालेंगे, मतलब यही जो हमारा सम आया है, ये जो सम ऑफ डिजिट्स हमारा आया है, अगली बार के लिए क्या बन जाएगा हमारा नंबर। सो अब हम इस 19 के डिजिट्स का सम निकालने वाले हैं, तो हम यहाँ पे 19 को लिख लेते हैं एंड देन हम करेंगे 1 प्लस 9। सो 1 प्लस 9 कितना आ जाता है, ये आ जाएगा 10। तो इस बार हमारा सम कितना आ गया, 10 आ गया, ठीक है। लेकिन अभी ये भी सिंगल डिजिट का नंबर नहीं है, क्यों, बिकॉज यहाँ पे देख सकते हो दो डिजिट्स हैं 1 एंड 0। सो हम क्या करेंगे, जो ये इस बार सम आया है इसको फिर से एज न्यू नंबर ट्रीट करेंगे एंड फिर से क्या निकालेंगे, सम ऑफ डिजिट्स। तो हमने अगली बार फिर से ये नंबर लिया 10 एंड फिर इस बार इसके डिजिट्स का सम निकाला, तो 1 प्लस 0 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1। अब इस बार हमें दिख रहा है कि ये जो हमारा सम आया है ये सिंगल डिजिट का है, ठीक है, सिर्फ 1 आ रहा है, और क्योंकि ये सम ऑफ डिजिट आपका 1 आ रहा है लास्ट में, इसलिए हम कह सकते हैं दैट जो 199 था जिस नंबर को हम शुरुआत में लेके चले थे, ये नंबर क्या है, मैजिक नंबर है, ठीक है। तो मैजिक नंबर का डेफिनेशन यही होता है कि आपको जो भी नंबर गिवेन हो आप क्या करो, उसको रिपीटेडली उसका सम ऑफ डिजिट्स निकालो। कब तक सम ऑफ डिजिट्स निकालोगे, जब तक फाइनली आपका जो सम है वो सिंगल डिजिट का नहीं हो जाता है, एंड सिंगल डिजिट का होते होते अगर वो सिंगल डिजिट का सम 1 आता है लास्ट में, तब आपका वो एक्चुअल वाला नंबर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एक मैजिक नंबर। तो ये तो है डेफिनेशन, चलो अभी देखते हैं कि इसका प्रोग्राम हम कैसे बनाएंगे। सो अभी हम देखने वाले हैं कि हम मैजिक नंबर का लॉजिक कैसे इंप्लीमेंट करेंगे जावा में, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम यूज़र से एक नंबर लेंगे, तो यहाँ पे यूज़र से ना लेके नंबर हम यहीं पे मान लेते हैं कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऐसी नंबर ले रहा हूँ इंट एन के अंदर, एंड इंट एन को हमने मान लिया है सपोज 199, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया है, एक नंबर खुद से ले लिया है, बट जब एक्चुअल प्रोग्राम हम करेंगे तो वहाँ पे हम यूज़र से नंबर ही इनपुट कराएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे नंबर हो गया हमारा इंट एन इज इक्वल टू 199। अब हमें क्या करना है, हमें इस नंबर के सम ऑफ डिजिट्स निकालने हैं, मतलब यहाँ पे डिजिट्स को हमें निकालना पड़ेगा इस नंबर से एक एक करके, और उन डिजिट्स का सम निकालना होगा। तो अगर आपने सम ऑफ डिजिट्स वाला कोई प्रोग्राम किया है जावा में, तो आपको आइडिया होगा कि सम ऑफ डिजिट्स निकालने के लिए हमें वाइल लूप का यूज़ करना पड़ता है, एक सम वेरिएबल लेना होता है, ठीक है, और उसके बाद मॉड ऑपरेटर का यूज़ करके हमें एक एक डिजिट निकालना होता है और उसको सम में ऐड करना होता है। तो कैसे करते हैं चलो देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम एक वेरिएबल मान लेते हैं इंट सम इज इक्वल टू 0, जिसके अंदर हम सम ऑफ डिजिट्स फाइनली स्टोर करते हैं। तो इंट सम इज इक्वल टू 0 हमने मान लिया, ठीक है। अब इसके बाद हम एक लूप चलाएंगे वाइल, ये लूप हमें कब तक चलाना होता है, जब तक हमारा ये नंबर 0 ना हो जाए, एन इज ग्रेटर देन 0। तो ये लूप हम तब तक चलाएंगे जब तक हमारा नंबर 0 नहीं हो जाता। फिर हम करते क्या है देखो, जैसे मान लो आपका नंबर है 199, तो आप क्या करोगे, इसको डिवाइड करोगे एक बार 10 से। तो जब 10 से हम डिवाइड करेंगे तो ये कितने टाइम्स जाएगा, 19 टेंस 190 एंड रिमाइंडर क्या आ जाएगा 9। तो आप देखो जब भी आप डिवाइड करते हो किसी नंबर को 10 से, तो जो आपका रिमाइंडर आता है वो आपका क्या होता है, आखिरी वाला डिजिट।
एंड जो क्वोशेंट आता है वो क्या होता है आपका बचा हुआ नंबर। सो अगर आपको डिजिट चाहिए होता है लास्ट वाला तो आप क्या करते हो 10 से डिवाइड करते हो एंड उसका रिमाइंडर वहाँ से निकाल लेते हो। तो रिमाइंडर निकालने के लिए हमारे पास एक ऑपरेटर होता है जावा में जिसको हम बोलते हैं परसेंट ऑपरेटर और मॉड ऑपरेटर। सो हम इसका यूज़ करेंगे डिजिट निकालने के लिए। सो यहाँ पे हम लिखेंगे सम इज इक्वल टू सम प्लस और यहाँ पे हम निकाल लेंगे डिजिट एन मॉड 10 करके। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया डिजिट निकाला नंबर में से एन मॉड 10 करके और उसको ऐड कर दिया अपने सम के अंदर। इसके बाद अगला काम क्या होगा कि हमें उस नंबर में से ये लास्ट डिजिट हटाना भी है, 9 को हटाना भी है क्योंकि ये अभी हटा नहीं है यहाँ पे। सो हम इसके लिए लिखेंगे एन इज इक्वल टू एन डिवाइड बाय 10। सो ये हो गया हमारा सम ऑफ डिजिट्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा जो भी आपका नंबर आएगा उसमें से एक एक डिजिट निकलता जाएगा एंड वो डिजिट सम में ऐड होता जाएगा और उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे यहाँ पे एन इज इक्वल टू एन डिवाइड बाई 10 क्या करेगा वो नंबर में से वो लास्ट डिजिट निकाल देगा। तो ऐसा होता रहेगा होता रहेगा। जैसे कि 199 है तो 199 के केस के लिए क्या होगा सबसे पहले 9 बाहर निकलेगा बचेगा आपका 19, उसके बाद फिर आपका ये वाला 9 बाहर निकलेगा फिर आपका बचेगा 1, फिर तीसरी बार जब लूप रन होगा तब आपका 1 भी निकल जाएगा एंड क्या बचेगा डिजिट 0। जैसे ही आपका नंबर ये 0 बचता है तब ये लूप कहाँ आ जाएगा बाहर आ जाएगा। लेकिन अब हमें यहाँ पे एक ही बार तो सम ऑफ डिजिट्स नहीं निकालना था। याद होगा अगर आपको प्रोग्राम में हमने क्वेश्चन में पढ़ा था ये चीज़ कि हमें यही सम ऑफ डिजिट्स बार बार निकालना है। तो बार बार निकालने के लिए आप एक चीज़ यहाँ पे ये कर सकते हो आप ये चेक करते रहो कि कहाँ पे जाके आपका ये सम ऑफ डिजिट्स हो रहा है 0, सॉरी सम ऑफ डिजिट्स नहीं, कहाँ पे जाके आपका जो नंबर है ये नंबर हो रहा है 0। जैसे ही आपका ये नंबर 0 हो जाए तो यहाँ पे आप चेक कर लो इफ जैसे ही आपका ये नंबर 0 हो जाए इफ एन इज डबल इक्वल टू 0। जैसे ही आपका ये नंबर 0 हुआ तब आपको ये कुछ काम करना पड़ेगा। जैसे ही आपका नंबर 0 होता है वहां पे आपको क्या करना है जैसे मान लो 199 का आप सम ऑफ डिजिट्स निकाल लोगे तो क्या आएगा ये आ जाएगा अभी हमने देखा था आप 1 प्लस 9 प्लस 9 करोगे सो इसका सम ऑफ डिजिट्स आ जाता है 19। अब जैसे ही आपका नंबर 0 होगा और आपका सम ऑफ डिजिट्स आ जाए 19 तो आपको पता है कि ये सिंगल डिजिट का नहीं है अभी। ठीक है, तो सिंगल डिजिट का नहीं है तब आपको अगली बार क्या करना है अगली बार जो आपका नया नंबर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा पिछला वाला सम। तो पिछला वाला जो सम आया था अगली बार सम ऑफ डिजिट्स निकालने के लिए वो इस बार आपका क्या हो जाएगा नंबर। सो जैसे ही आपका एन हो जाता है 0 मतलब एक बार आपका सम ऑफ डिजिट्स निकल आता है और आपका सम सिंगल डिजिट का नहीं था तो आपको क्या करना है आपको अगली बार नया नंबर आपका क्या हो जाएगा जो पिछला वाला आपका सम आया था वो। ठीक है, और आपको सम निकालना है तो पिछली बार वाला सम आप थोड़ी चाहोगे कि पिछली बार वाला सम 19 सम में ऑलरेडी रहे, आपको चाहिए कि नया वाला जो सम आप निकालोगे 19 का वो कुछ आए ऐसे 1 प्लस 9 करके। ठीक है, तो आपको सम खाली भी करना होगा। सो यहाँ पे आप लिख दो सम इज इक्वल टू 0 तो सम आपका खाली भी हो गया। ठीक है, तो n में इस बार आ गया आपका सम जो पिछला वाला आपका सम आया होगा वो आपका n में आ गया। तो इस बार जब फिर से ये लूप चलना स्टार्ट होगा तब आपका जो सम आएगा वो किसका होगा वो आपका इस नए वाले नंबर का होगा जो कि पिछला वाला सम था मतलब जो पिछली बार सम आया था वो हमारा नया नंबर बन गया है। ठीक है, तो इस बार n आपका हो जाएगा 19 एंड फिर से 19 का सम ऑफ डिजिट्स निकलेगा। इस बार कितना आएगा इसका सम ऑफ डिजिट्स 10। ठीक है, फिर n 0 हो जाएगा n खत्म हो जाएगा। तो जैसे ही n खत्म हुआ फिर से ये कंडीशन तो ये जो पिछला वाला सम है ये क्या बन जाएगा हमारा अगली बार का नंबर। तो अगली बार का नंबर हमारा हो जाएगा 10 देन हम क्या करेंगे 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1। फिर जैसे ही 1 आएगा हम यहाँ पे रुक जाएंगे। तो ये काम होगा यहाँ पे जैसे ही आपका एन 0 हो जाता है वहां पे आप क्या करो आप अपने एन को मतलब नए वाले नंबर को क्या कर दो पिछले वाले सम के बराबर रख दो फिर से आपका सम ऑफ डिजिट्स निकलेगा एंड सो ऑन ये होता रहेगा। अब यहाँ पे एक कंडीशन आपको और लगानी पड़ेगी क्योंकि जैसे ही आपका नंबर 0 होगा आपको ये लूप खत्म नहीं करना है आपको यहाँ पे वाइल की कंडीशन में एक और चीज़ भी चेक करनी है और कि क्या आपका सम सिंगल डिजिट का तो नहीं है। तो यहाँ पे आपको वाइल लूप तब तक चलाना है जब तक आपका सम 9 से बड़ा रहे तब तक मतलब सम आपका अगर सिंगल डिजिट का नहीं होता है मतलब 2 डिजिट में है मतलब 9 से बड़ा है तब तक आप ये लूप चलाओगे। सो जब ऐसा कुछ होगा कि आपका एन भी 0 हो जाएगा एंड सम ऑफ डिजिट जो होगा सम होगा बेसिकली वो भी सिंगल डिजिट का आ जाएगा जब ये दोनों कंडीशंस आपकी ट्रू हो जाएंगी तब आप इस लूप से बाहर आओगे। ठीक है, तो ये लूप क्या करेगा आपका रिपीटेड सम ऑफ डिजिट्स करता जाएगा रिपीटेडली
एंड जैसे ही लास्ट में सिंगल डिजिट का सम आता है वहां से ये निकलेगा बाहर। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, लास्ट में चेक कर लेंगे बस, इफ इफ सम इज डबल इक्वल टू वन, अगर आपका सम इक्वल टू वन आ जाता है लास्ट में, तब आप क्या प्रिंट कर दो, एस ओ पी एल एन या सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, इट इज अ मैजिक नंबर, और एल्स में क्या प्रिंट कर देंगे, इट इज नॉट अ मैजिक नंबर। सो ये है इसका लॉजिक। चलो अभी इसका प्रोग्राम देख लेते हैं कैसे होगा। सो ये है मैजिक नंबर का कंप्लीट जावा प्रोग्राम। सो देखते हैं यहाँ पे हमने क्या किया है। सो यहाँ पे मैंने क्लास बना लिया है मैजिक नंबर नाम से, देन उसके अंदर एक फंक्शन बनाया है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, मेन फंक्शन है, एंड देन इसके अंदर हमने क्या किया है, क्योंकि हमें नंबर इनपुट कराना है यूज़र से, तो हमने यहाँ पे स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया है और फिर स्कैनर को यहाँ पे ऊपर इम्पोर्ट भी करा लिया है। ठीक है, उसके बाद हमने यूज़र को एक मैसेज दिया है टू एंटर अ नंबर, एंड उसके बाद नम वेरिएबल में हमने यूज़र से वो नंबर इनपुट करा लिया है। देन जैसा कि हमने अभी पीछे देखा था पिछले वाले उसमें लॉजिक में मैंने आपको बताया था, तो वहाँ पे हमने क्या किया था, इंट एन में अपना नंबर लिया था 199, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये जो नम है इसको एन के अंदर ले लिया है, इंट एन इज इक्वल टू नम। अब यहाँ पे आप देख रहे होगे कि हमने दो बार ये काम क्यों किया, डायरेक्टली हम एन में नहीं इनपुट ले सकते थे, तो ऐसा हमने इसलिए किया है क्योंकि देखो जब भी आपका सम ऑफ डिजिट्स निकाला जाएगा तो आपका एन तो जीरो हो जाएगा लास्ट में। ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं अपना एक्चुअल नंबर सेफ रखना है, तो इसलिए हमने क्या किया, इनपुट जो कराया है वो कराया है हमने नम वेरिएबल के अंदर, एंड देन इस नम वेरिएबल की वैल्यू हमने सेंड कर दी है किस में, एन में। तो हम मॉडिफाई करेंगे किसको, एन को, एन आपका मॉडिफाई होगा, एंड लास्ट में आपका जो नम होगा, नम आपका कहीं ना कहीं बचा रह जाएगा। ठीक है, तो आपका नम वेरिएबल लास्ट में सेव रहेगा, मतलब आपका जो एक्चुअल नंबर होगा वो प्रिंट करने के लिए आपके पास बचा रहेगा। सो यहाँ पे हमने एन इज इक्वल टू नम ले लिया। ठीक है, इसके बाद देखो मैंने वही सेम चीज़ यहाँ लॉजिक में लिखी है जो अभी मैंने आपको पिछले वाले पार्ट में समझाई थी, एक्सप्लेन की थी, तो ये सेम वही चीज़ है, इंट सम इज इक्वल टू जीरो लिया, फिर उसके बाद वाइल में कंडीशन लिखा। ठीक है, उसके बाद पूरा लॉजिक देखो यहाँ पे सेम मैंने इम्प्लीमेंट किया है। तो इतना लॉजिक इम्प्लीमेंट करने के बाद में होगा क्या, कि जो भी आपका नंबर होगा उसका रिपीटेडली सम ऑफ डिजिट्स निकलेगा, कब तक निकलेगा, जब तक वो नंबर आपका मतलब उसका सम जो होगा, सम ऑफ डिजिट्स जो होगा वो आपका सिंगल डिजिट का नहीं हो जाता है। ठीक है, तो फाइनली आपको सम मिल जाएगा, फिर लास्ट में आप चेक कर लोगे, इफ सम इज डबल इक्वल टू वन देन द नंबर इज, यहाँ पे नम हम प्रिंट कर सकते हैं बिकॉज नम वेरिएबल में आपका एक्चुअल नंबर यहाँ पे होगा, तो आप प्रिंट कर दो अगर सम इक्वल टू वन है तो, मतलब आपका लास्ट में अगर सम वन आता है तो आप यहाँ प्रिंट कर दो दैट द नंबर इज, पहले यहाँ पे नम प्रिंट कर दो, उसके बाद प्लस के आगे मतलब ये नम वेरिएबल में जो वैल्यू होगा वो प्रिंट होगा यहाँ पे, उसके बाद प्रिंट होगा इट इज अ मैजिक नंबर। सो नंबर यानी कि जो 199 सपोज अगर आएगा तो नंबर प्रिंट होगा इज अ मैजिक नंबर लिख के आ जाएगा। उसके अलावा अगर मान लो नहीं है सम आपका वन, तो आप एल्स में लिख दो सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट एल एन नम, पहले नंबर प्रिंट होगा, इज नॉट अ मैजिक नंबर। सो अभी इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। सो कंपाइल किया, फिर ये रन किया हमने, सो ये ओपन होके आ गया है टर्मिनल विंडो, तो यहाँ पे इनपुट देके देखते हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल 199, सो 199 मैजिक नंबर होता है, सो 199 इज अ मैजिक नंबर, तो यहाँ पे तो ये सही रन कर रहा है। अभी ये कोई नॉन मैजिक नंबर देके देखते हैं, लाइक फॉर इंस्टेंस 523, तो जहाँ तक तो ये मैजिक नंबर नहीं है, तो देखते हैं ये भी मैजिक नंबर है कैसे, 5 + 2 + 3 5 + 2 7 + 3 10, अच्छा ये भी मैजिक नंबर होगा, सॉरी एक और देखे देखते हैं यहाँ पे एक नंबर, फॉर इंस्टेंस 421, ये नहीं होगा मैजिक नंबर, सो 421 इज नॉट अ मैजिक नंबर। सो यहाँ पे हमारा प्रोग्राम एकदम करेक्टली वर्क कर रहा है। सो आई होप आपको ये प्रोग्राम अच्छे से समझ में आया होगा। सो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ से लाइक कर देना, और कमेंट्स में लिख कर ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।